और बिहार के जनता के दिलों पर राज करते हो। नहीं, वो वीडियो सही था, बिहारी मजदूर को वहाँ पर मारा पीटा गया। नहीं, छूट के आएंगे वो। अभी ये सीएम बनेंगे तो आप देखना, बहुत अच्छा करेंगे। कुत्ता का बर्तन होता है हम लोग का। बिहार में रोजगार मिलता है, दिल्ली थोड़े आते हैं हम। 2025 में सरकार गिरेगा तेजस्वी यादव का। बहुत अच्छा इंसान है वो। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मनीष कश्यप लंबे वक्त से बिहार पुलिस की रिमांड पर है, लेकिन जो तमिलनाडु का वीडियो उन्होंने वायरल किया उसके बाद तमिलनाडु की पुलिस भी अब जांच के लिए मनीष कश्यप को रिमांड में लेने वाली है। तो बिहार के ही लोग हमारे साथ हैं। मनीष कश्यप को तो जानते ही होंगे आप। जानते हैं जी। अच्छा, ये बताइए, मनीष कश्यप एक वीडियो उन्होंने जारी किया जिसको कहा गया कि फेक वीडियो है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। नहीं, वो वीडियो सही था। वीडियो सही था, वो बिहारी मजदूर को वहाँ पर मारा पीटा गया। अच्छा अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से मनीष कश्यप इन दिनों पूरी तरीके से जा रहे हैं, लग रहा है कि लंबे वक्त तक जेल में रहेंगे या फिर छूट के आएंगे? नहीं, छूट के आएंगे वो। कोर्ट से तो ऑर्डर मिल गया, जरूर कोर्ट से ऑर्डर मिल गया और जरूर छूटेंगे। वो तो छूटेंगे 4 तारीख को। हाँ, सीएम। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, वो कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को सीएम बनाना चाहिए, क्या कारण है? हाँ, वो बनेंगे क्योंकि वो देश के लिए बहुत कुछ करेंगे। हाँ। और करेंगे बहुत अच्छा। हाँ। क्योंकि अभी ये सीएम बनेंगे तो आप देखना, बहुत अच्छा करेंगे। हाँ। अच्छा, आप बताइए। मनीष कश्यप बहुत अच्छा आमदनी है वो, ठीक है, भाई मानते हैं हम लोग उनसे, सोचते हैं वो बिहार के बारे में आगे बढ़ाने के लिए, मजदूरों के बारे में, गरीब मजदूरों के बारे में बहुत सारा, बहुत अच्छे से सोचे उनका। अच्छा, बिहार मजदूरों की स्थिति जो होती है दूसरे राज्यों में क्या होती है? कुत्ता का बर्तन होता है हम लोग का। हाँ। बिहार में रोजगार मिलता है, दिल्ली थोड़े आते हैं हम। हाँ। अपने बिहार आते हैं, यहाँ 1200 किलोमीटर आगे क्या कर रहे हैं, ऑटो चला रहे और कुछ नहीं। अच्छा, बिहार में क्या कारण है कि रोजगार नहीं मिलता तो मजदूरों को यहाँ से वहाँ पलायन करना पड़ता है? वहाँ रोजगार है ही नहीं, न कारखाना है, न वहाँ के नेता भ्रष्टाचार है, कुछ वो बहुत लूट रही है बिहार, गरीबों को लूट रही है और कुछ कर नहीं पा रही है। क्या करे हम लोग, गरीब मजदूर क्या करेंगे। इसीलिए हम लोग पूरा फुल सपोर्ट में है कि मनीष कश्यप भैया आए बाहर और उनको जोर से वो सीएम बने, बाहर आए और सीएम बने। 2025 में 24 में सीएम वही बनेंगे। 25 में चुनाव होने हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं तेजस्वी को ये कहा था कि 180 दिन में पहले तुम्हारी सरकार गिरा दूंगा। सरकार गिरेगा, सरकार गिरेगा तुरंत, 2025 में सरकार गिरेगा तेजस्वी यादव का। अच्छा, आप भी बिहार से भैया। हाँ। अच्छा, मनीष कश्यप को लेकर क्या कहना चाहिए? तू अच्छा भैया है ना। हाँ। मगर भी जेल भी चला गया है ना, इससे बहुत दुख है मेरा। अच्छा, आपको दुख है इस बात? हाँ, बहुत दुख। अच्छा, ये बताइए कि इतना क्यों समर्थन मिल रहा है मनीष कश्यप को और सन ऑफ बिहार क्यों कहा जाता है? बहुत अच्छा इंसान है वो मनीष कश्यप, बहुत अच्छा इंसान है। वो जमीन से उठ के ऊपर को आया है, कोई उनका खानदानी राज नहीं है। हाँ। राजनीति में जैसे तेजस्वी यादव उनका खानदानी, उनका मम्मी भी थी सीएम, बाप भी सीएम थे, उनका कोई नहीं है। वो हम जमीन से उठ के ऊपर को आए हैं, इसीलिए उनको जनता पसंद करती है और बिहार के जनता के दिलों पर राज करते हो और गरीबों को ही भला में जो भी बात करते हैं गरीबों के भला में बात करते हैं, ना कि राजनीति फेक करने का। पुलिस कह रही है कि फेक वीडियो जारी किया था उन्होंने, फर्जी वीडियो था, रियल वीडियो था वो, सरकार को बदनाम करने का आरोप है उन पर। नहीं, ऐसा बात नहीं है। मार काटने वाले जो वीडियो अपलोड किए उन पे तो ना FIR हुआ। ये जाके वहाँ ट्रेन में जो चढ़ रहे थे, वीडियो बहुत पत्रकार छापे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मनीष कश्यप क्यों कार्रवाई हुआ? अच्छा, मनीष कश्यप क्योंकि वो सच्चाई के खिलाफ लड़ते हैं, झूठे झूठे कोई नहीं, सच्चाई के खिलाफ लड़ते हैं और हाँ, इसीलिए आजकल सच्चे लोगों की भला ही कहाँ है। अच्छा। वही आजकल। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मनीष कश्यप क्योंकि जमीनी हकीकत बिहार की दिखा रहे हैं इसलिए कहीं ना कहीं फंसते जा रहे हैं। हाँ, वो तो बात सही है, वो सच हकीकत वो दिखाते हैं और लोग उसको अफवाह फैला रहे हैं और बिहार सरकार तो कुछ कर नहीं रही है और हकीकत को दबा रही है। हकीकत को बिहार सरकार दबा रही है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कहा गया है कि मनीष कश्यप पत्रकार है तो उन्हें अमर्यादित भी कहा गया है, उन पर तमाम आरोप भी लगे हैं। हाँ, वो बात सही है, वो सब झूठा झूठा आरोप है मैम। मनीष कश्यप पर जो आरोप लगे हैं कि वो एक पत्रकार नहीं है, एक पेड है, बीजेपी द्वारा पेड है। ऐसा बात, ऐसा कुछ नहीं है। वो अब बीजेपी वाले अभी इनको मानते हैं, सपोर्ट कर रहे होंगे, मगर इससे पहले वो 3-4 साल से वो मैंने सत्तक न्यूज में काम कर रहे हैं और जब भी कर रहे हैं तो जमीनी वो मैंने कि जो जमीन से उठते होते बात वही कर रहे हैं, ना कि नेतागिरी शुरू से ही नहीं कर रहे वो। अच्छा, ये क्यों चाहते हैं आप लोगों के मुँह से? मैंने सुना जैसे कि 25 में मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो मुख्यमंत्री क्यों बनाना चाहते हैं? वो तो अच्छा इंसान है वो।
इसीलिए मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जो तेजस्वी भैया वो नंगुआ फेल है, वो तो सब पूरा बिहार जानता है, पूरा इंडिया जानता है। क्या करेंगे? और कुछ नहीं करेंगे। वो भी तो 2005 से ही जनता को लूट रहे, बिहार को 2005 से ही है, कुछ ना कर रहे हैं। और ये भैया पढ़े लिखे भी है, सब जमीनी सब जानते हैं कि हाँ भैया वो जमीन से उठ के आए हैं, इसीलिए उन्हीं को जनता सपोर्ट कर, हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। जनता इसलिए सपोर्ट करेगी? हाँ, फुल फुल सपोर्ट है हम लोगों की तरफ से कि हाँ वो सपोर्ट है, मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बने। तांडव मचाते हैं। हाँ अच्छा, जो तांडव होता है। जेल से छूट के आएंगे तो क्या चाहते हैं, क्या कुछ होगा, क्या तस्वीरें बदलेंगे? तस्वीर वही बिहार के सारे जनता एक साथ हो जाएंगे, पूरा बिहार बदलेगा। जैसे वो छूट के आएंगे पूरा बिहार बदलेगा। मनीष कश्यप मुख्यमंत्री होंगे, पूरे बिहार बदलेगा। अच्छा, मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बनते तो पूरे बिहार की तस्वीर बदल जाएगी? पूरा बदले, बिहार की तस्वीर नहीं, पूरा बिहार ही बदल जाएगी। अगर मनीष कश्यप के समर्थन में बिहार जाना पड़ा तो आप लोग जाएंगे? जाएंगे, हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, सब जाएंगे हम। हाँ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। जाते हैं। अच्छा, आप लोग जाते हैं? जाते हैं, वोट देने जाते हैं। कैसा लगता है बिहार की स्थिति में, क्या कुछ बदलाव हुआ है? पहले कैसा था, अब कैसा है? कुछ बदलाव नहीं, सब ऐसा ही, सब ऐसा ही सही है। भ्रष्टाचार अभी भी जंगल राज ही है, पूरा जमीन से वही लूट रहे सब जो खानदानी है। क्या थी इनकी राय, जैसा कि मनीष कश्यप के पूरे इस केस में तमिलनाडु पुलिस की भी अब तक जो है वो एंट्री हो चुकी है, और कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप जो है लंबे वक्त के लिए अब कहीं ना कहीं पुलिस की रिमांड में रह सकते हैं। अब क्या कुछ मनीष कश्यप के बारे में नई चीज़ें निकल कर सामने आती है, हम आपको इससे जुड़ी हर अपडेट्स देते रहेंगे। वीडियो में फिलहाल इतना ही, हाजिर होंगे एक नए मुद्दे एक नए वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सौगंध टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरा पर्सन सचिन के साथ चल निजा दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।